नमोस्तु गुरुदेव। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। गुरुदेव, कल तत्वार्थ सूत्र में चतुराध्याय में हमने ज्योतिष विद्या के बारे में जाना था और ज्योतिष विद्या का महत्व समझा, लेकिन गुरुदेव एक और विद्या जो अभी विकसित हो रही है, नंबरों की, न्यूमरोलॉजी, अंकों के साथ वो भविष्य बताते हैं और व्यक्ति का स्वभाव बताते हैं कि एक नंबर में अंक जन्मतिथि है तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा और इस तरह की चीज़ें, और नामों के अक्षरों में भी चेंज बताते हैं, और इस विद्या का काफ़ी प्रचलन हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में भी लोग काफ़ी पैसा खर्च करके ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो गुरुदेव, इसका क्या महत्व है और इसका क्या होना चाहिए? देखिए, अंक ज्योतिष के नाम पर न्यूमरोलॉजी चल, ज्योतिष एक विद्या है, ज्योतिष एक विज्ञान है, पर एक बात ध्यान रखना, ज्योतिष की कोई भी एक विधा अपने आप में पूर्ण नहीं। जो ज्योतिष के सभी विधाओं को अच्छे से समझता है, उसमें पारंगत है, उसकी विद्या का ही कोई अर्थ होता है और उसका कोई लाभ। न्यूमरोलॉजी का नंबर का कुछ कुछ संबंध होता है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह सही नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मेरा जन्म नंबर 9 है, 27 है। और जब हमारी किताब छप रही थी दिव्य जीवन का द्वार, उसमें 13 प्रवचन थे। लोगों ने कहा, महाराज 13 अंक खराब है और आपके लिए तो और भी खराब। हमने कहा, खराब है तो अब 13 ही प्रवचन होगा। तो महाराज एक घटा दिया एक बढ़ा दिया। बोले नहीं, 13 किया हूं तो 13 ही होगा, खराब है तो होने दो, देखते हैं कितना खराब। और आपको पता है, मेरी अब तक की प्रकाशित 40-45 पुस्तकों में सबसे ज़्यादा अगर लोगों तक पहुंची है, प्रकाशित हुई है, तो वो पुस्तक है दिव्य जीवन का द्वार। 1997 से प्रकाशित हुई दिव्य जीवन का द्वार, 13 प्रवचन है और उसमें कुल 13 अध्याय, लेकिन लोगों ने उसे इतना सराहा, 2.5 लाख तक तो गिना गया था, उसके बाद तो काउंटिंग भी नहीं हुई कितनी। अरे बहुत पहले, जो एक बार पढ़ता है सबको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो 13 अंक खराब होता है लोगों के लिए, पर मेरे लिए तो अच्छा है। तो जिस अंक को आप जिस तरीके से व्याख्यायित कर दो वैसे होता है। केवल अंक मिलाने से काम नहीं होता, जीवन का गणित बिठाने से काम होता है। अंक मिलाने वाले तो अंक ही मिलाते रहते हैं, गणित बिठाने की कोशिश करो। आज के समय में विभिन्न प्रकार की विद्याएं हैं, हर विद्या वाला अपनी विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहता है, पर इसके संदर्भ में एक ही बात कहूँगा। एक ज्योतिषी था, वो तोते से लोगों का भविष्य बताता था, पिंजरे में तोते को रखता था, और कोई आए तो तोते को पिंजरा से बाहर निकालता, तोता जिसका कार्ड निकालता उसी के अनुसार उसका भविष्य हो जाता। एक दिन 3:30 बज गए, बेचारे की बोहनी नहीं हुई, 3:30 बज गए, बोहनी नहीं हुई। उसने सोचा, चलो आज मैं अपना भविष्य जान लूँ। उसने तोते को पिंजरे से खोला, पिंजरा से तोता बाहर निकला, उसने कार्ड उठाया, कार्ड पे लिखा था, बेईमानी का धंधा बंद करो। समझ गया, इसलिए ज्यादा चक्कर में मैं नहीं पाता। चल, नमोस्तु महाराज।